नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क से पहले अगर मैं जान लू इंटरनेट के बारे में, अगर इंटरनेट के क्या होते हैं एक बेसिक डेफिनेशन होते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि ये मान लो जो भी इंटरनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा क्लाउड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्टैंडर्ड है, एक बार किसी ने कर दिया तो सारे उसी को बोलेंगे। तो अगर मान लो जैसे ये मेरा कोई नेटवर्क, इसके अंदर मान लो ये एक नेटवर्क से एक सिस्टम कनेक्टेड है और इस वाले नेटवर्क से 250-300 सिस्टम कनेक्टेड, जैसे इसके नेटवर्क के अंदर भी पार्ट हो गए, जैसे 100 सिस्टम इससे कनेक्टेड है, 150 सिस्टम इससे कनेक्टेड है और 50 सिस्टम इससे कनेक्टेड है, 250 सिस्टम इससे कनेक्टेड है, एक ऐसे ही दूसरा नेटवर्क आ गया मेरा जिसको मैं नेटवर्क 1 बोल देता हूँ, उसको नेटवर्क 2 बोल देता हूँ, इसके अंदर भी भाई यहाँ पे क्या हो गया मेरे, यहाँ पे 100 सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ 80 सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ 60 सिस्टम कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से मेरे सिस्टम जो वो कनेक्टेड है। अब अगर मुझे मान लो डेटा ट्रांसफर करना है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, तो ये सिस्टम होगा, इस सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, उसका पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, यानी कि पब्लिक आए पब्लिक एड्रेस उधर को क्या करना पड़ता है, उसका परचेज करना पड़ता है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होगा वो खुद बना सकता है। अब मान लो जैसे ये क्या था, इसने सारे सिस्टम थे जो उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहे थे उनके पास एक राउटर था जो पब्लिक आईपी एड्रेस पे काम कर रहा था। अब प्राइवेट सिस्टम में कोई यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको कम्युनिकेट करना है इस वाले सिस्टम के साथ, तो भाई ये कम्युनिकेशन किस तरीके से पॉसिबल हो, और इस वाले सिस्टम को यहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होगी, कि जैसे मैंने कोई भी डेटा भेजा है कि वो पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क के अंदर मेरे को नहीं पता अब उसके अंदर कितने राउटर कनेक्टेड है, कितने स्विचेस कनेक्टेड है, कितनी किस तरह की फाइबर ऑप्टिक्स का थ्रू है, या कैसे कैसे वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सारे काम को करने की, यानी कि एक पैकेट को यहां से लेके यहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, वो होती है नेटवर्क की, और नेटवर्क लेयर में जो मेरा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो पैकेट्स की फॉर्म, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या थी, बिट्स थी, बिट्स को मैंने कंबाइन किया तो क्या बन गया मेरा फ्रेम बन गया, और फ्रेम के ऊपर भी एक हेडर लग जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, वो फिर पैकेट बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हर एक चीज के अंदर जो है मेरे पास कुछ हेडर जो है वो हर एक लेयर में एड होता रहता है, और जैसे ही मैं फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक आता हूं तो सबके पास जो है एक हेडर ऐड होता चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, मैं उसको कंबाइन कर रहा हूं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वह इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा, और बेसिकली इनकैप्सुलेशन का अगर कंप्यूटर में आ जाए तो उसका मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, ये काम होता है इनकैप्सुलेशन। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरा जितना भी नेटवर्क वो सारा चल रहा है, तो अब किसी भी नेटवर्क को क्या पता है कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड और किस तरीके से क्या कनेक्टिविटी बन रही है, तो इसके लिए बेसिकली एक हम ज्यादा बढ़िया एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, कि मान लो किसी भी शहर में, जैसे मान लो आप दिल्ली में हो और दिल्ली से आपको यूएस जाना, अगर आपको दिल्ली से यूएस जाना है और दिल्ली में क्या आपका घर है और यूएस में भी क्या जाना है, जैसे आपने मान लो कैलिफोर्निया जाना, कैलिफोर्निया में भी कोई घर है और उसमें जाना है, यानी कि यहाँ से आपको अपने घर से जाके कैलिफोर्निया में होगा वहां तक जाना है, तो वहां तक कैसे जा सकता, तो वहां तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा, अपने घर से निकलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो बस स्टेशन जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाने के बाद मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट पे मेरे को पता चलेगा कि भाई यूएस जाने वाली फ्लाइट कौन सी है, अब यूएस जाने की फ्लाइट के लिए कोई डायरेक्ट लिंक है या कहीं और से लिंक है, फिर मैं यूएस चला जाऊंगा, फिर यूएस जाने के बाद मेरे को कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा, फिर कैलिफोर्निया जाने के बाद मेरे को पता करना पड़ेगा
कि वो कौन से कॉलोनी में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है या कौन से सेक्टर में रहता है, और फिर उसके बाद जाके मेरे को उसके घर पे जाना पड़ेगा। जाने का प्रोसेस यही हो गया, सेम मैकेनिज्म जो होता है वो मेरे नेटवर्क में फॉलो होता है। नेटवर्क में क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि मेरे जो बस स्टैंड है वो कहाँ कैसे काम करता है, वो काम करता है मेरा ऐसे राउटर। और लेयर थ्री के अंदर जो डिवाइस यूज होता है वो होता है राउटर, और राउटर का काम क्या होता है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टू इट। यानी कि ये क्या करेगा, लैन को वैन से, मैन को वैन से, वैन को वैन से, या लैन को डब्ल्यू लैन से, इन तरीके से क्या करता है उसका कनेक्शन करवाता है। तो अगर मैं यही मैकेनिज्म बनाऊं तो मेरा क्या हो गया, एक मेरा राउटर हो गया, राउटर के बाद क्या होगा मेरा स्विच होगा घर में, और स्विच के बाद क्या होगा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होगा किसी भी चीज का। जो राउटर है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, वो होगा वैन के साथ यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, और दूसरे का भी क्या होगा ऐसे ही राउटर होगा, राउटर के अंदर उसका जो है स्विच लगा होगा, और स्विच के अंदर क्या होगा उसका एक। तो वैन के अंदर बेसिकली वैन में भी क्या होता है, वैन में भी मेरे पास एक राउटर ही होता है जिसका काम क्या होगा राउटिंग करना, इधर से पैकेट को उधर ले जाना। तो जैसे ही मैं जाता हूँ स्विच हो गया, स्विच यानी कि जो मैंने कोई भी पैकेट भेजा है वो पैकेट पीछे से स्विच के पास जाएगा, नहीं स्विच के पास फिर उसको पता चलेगा कि उसको कौन से पाथ में जाके वो राउटर को रीच कर सकता है, फिर राउटर को रीच करेगा, और राउटर के पास क्या होता है एक राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल के अंदर क्या होती है, वो सारी एंट्रीज लिस्टेड होती हैं जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा अगर मुझे किस नेटवर्क में जाना है तो किस रास्ते के थ्रू जाया जा सकता है। और यही राउटिंग टेबल होगी, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप बस स्टैंड पे या किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाते हो वहां पे मेरे पास अलग अलग टेबल लगा होता है हर एक चीज का। जैसे अगर यूएस जाने वाली फ्लाइट है वो इस वाले टर्मिनल से जाएगी, कहीं और जाने वाली है वो किसी और टर्मिनल से जाएगी, या किसी और नंबर से जाएगी, या किसी और गेट से जाएगी। तो इसी तरीके से पूरे वैन के अंदर भी क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है, और राउटिंग टेबल की ये जिम्मेवारी हो जाएगी कि एक पैकेट को बताना कौन से रास्ते से कहां तक जाएगा, और फिर उसके बाद फाइनली उसके राउटर तक भेजता है, राउटर से स्विच, और स्विच से वो पीसी वाला होता है। तो इसका मतलब है नेटवर्क लेयर के अंदर जितना भी राउटिंग का प्रोसेस है वो आ जाता है। राउटिंग का मतलब है किसी को अगर एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाना है तो वो कौन सा रास्ता चूज करेगा। इसके अंदर जो मेरा डिवाइस यूज होता है वो हो जाता है मेरा राउटर, यानी कि राउटर। और राउटर के प्लेस पे अगर मान लो मैं प्राइवेट नेटवर्क यूज करता हूँ, और प्राइवेट नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, तो उसके बेसिस पे आप मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं लेयर थ्री स्विच यूज कर सकता हूँ। तो ये दो डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क लेयर के अंदर यूज होते हैं।